छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एन के जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल, मध्य प्रदेश। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अंतिम निर्देश, वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, आपके जीवन में कोई ना कोई मित्र तो होगा, है? व्यक्ति मित्र बनाना तो चाहता है पर शत्रु बनाना कभी नहीं चाहता। पर यह भी देखने में आता है कि आज व्यक्तियों को मित्र कम और शत्रु ज़्यादा है। दोनों में अगर तुलना करें कि मित्र श्रेष्ठ है कि शत्रु श्रेष्ठ है, मैं आपसे भी पूछूं कि आप मित्र बनाना चाहते हो कि शत्रु? शत्रु और मित्र ये भले ही संज्ञा भिन्न भिन्न है, पर अगर थोड़ा सा विवेक रखकर हम विचार करें तो शत्रु कभी शत्रु नहीं था। गौर से बात को समझना, शत्रु कभी शत्रु नहीं था, कोई मित्र ही,
कोई मित्र ही जब अपने मन की बात अपने स्वार्थ की पुष्टि नहीं करता है, वही मित्र ही शत्रु बनता है। क्या शत्रु की जन्म से ही गोदाती पहचान थी? नहीं। जैसे मित्र बनाया जाता है, वैसे ही शत्रु जानकर जो मेरे इच्छा के अनुसार मेरा कार्य नहीं करता, मुझे सहयोग नहीं करता, हम उसे शत्रु बना देते। ये बात सब सत्य है, पर मैं फिर भी आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप इतना समझने के बाद भी जीवन में मित्र बनाना चाहोगे कि शत्रु? मोदी जी, एक दो 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 मोदी है। आप अपने जीवन में मित्र प्राप्त करना चाहोगे कि शत्रु? मित्र श्रेष्ठ है कि शत्रु श्रेष्ठ है? ये छोटा सा उत्तर देना, फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये गहरा रहस्य आज हमें समझने की आवश्यकता है कि हर इंसान चाहता है मेरा मित्र बन जाए, मेरा मित्र बन जाए, ये मित्र बन जाए, वो मित्र बन जाए। पर ध्यान रखना, कभी कभार मित्र से भी शत्रु श्रेष्ठ हो सकता है, कभी मित्र से भी शत्रु श्रेष्ठ हो सकता है, कभी अज्ञानी भी ज्ञानी से श्रेष्ठ हो सकता है। आपको कुछ समय सुनील जी बात विपरीत लग सकती है, पर कुछ मिनटों में आप स्वयं मेरी बात में हाँ में हाँ मिलाओगे, क्योंकि मित्र अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, पर कभी कभार शत्रु भी अच्छा होता है। एक अज्ञानी भी श्रेष्ठ होता है किसी विशिष्ट कषाय और विपरीतता से युक्त ज्ञानी की अपेक्षा से। ये आगम के ऐसे रहस्य हमारे आचार्य भगवंतों ने दिए हैं। वास्तव में जीवन का अगर एक एक समय, एक एक निशेक भी अगर इस जिनवाणी के पान में जीव लगा लेना, तो पूरा मनुष्य पर्याय का जीवन कम पड़ जाएगा। इतने रहस्य हमारे इस आगम ग्रंथों में लिखे। हर कोई यही सोचेगा कि ज्ञानी पुरुष अच्छा ना, ज्ञान प्राप्त करने वाला जो प्रतिदिन ज्ञान में लगा है, ज्ञान की चर्चा कर रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, दूसरे को ज्ञान का उपदेश दे रहा है, ठेकेदार जी वो अच्छा नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसा ज्ञानी कार्यकारी नहीं है जो मात्र और मात्र रट्टू तोता की भांति दूसरों को उपदेश देता है और सत्य को ना समझकर विपरीतता को प्राप्त करता है। मैं नहीं, आज भगवान कुंदकुंद स्वामी पहचान करा रहे हैं कि सच्चा मित्र कौन है, सच्चा ज्ञानी कौन है। इसे तुम्हें अपने जीवन में स्वयं से पहचानने की आवश्यकता है। क्यों, आपके मित्र नहीं है? बोलो ना, आप लोगों को मित्र नहीं है? है, पर उन मित्रों ने कभी समय पे धोखा नहीं दिया? अब बोलो हाँ। विचार करना, आज आवश्यकता इन्हीं बातों की है जो एकमात्र आँख मीच कर हम अनादि से कार्य करते आए हैं, उनमें हमें अपने आप की परीक्षा करने की आवश्यकता है। मित्रों की परीक्षा नहीं, परीक्षा मुझे करनी है। आज तक दूसरे मित्रों की तो परीक्षा की, ये अच्छा वो अच्छा नहीं, जिस जो अच्छा लगता है उसे तो ग्रुप में जोड़ के रखते हैं और नहीं है उसे ग्रुप से निकालते ना। बहुत सारे ग्रुप है उज्जैन में, कोई कहीं से कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं से कहीं पहुंच जाता है। बात उन मित्रों की नहीं करना है, बात मुझे अपने स्वयं की मित्रता की करना है कि मैं किसी का मित्र बनने की योग्यता रखता हूँ। क्या मैं वास्तव में ग्रंथों का पारायण करते के बाद भी अपने आप को ज्ञानी मानने की शक्ति रखता हूँ? क्योंकि
दूसरों की परीक्षा कर लेना माँ बहुत आसान है, करते हो ना दूसरों की परीक्षा, चावल की भी, वहाँ भी सबकी परीक्षा करना हम सीख चुके हैं सिवाय अपने जीवन की, सिवाय अपने जीवन की हमने सबकी परीक्षा कर ली। वास्तविकता यही थी कि मुझे अपने भीतर मित्र खोजना था, मुझे अपने परिणामों की शत्रुता को खोजना था और अपने ज्ञानी अज्ञानी पने का निर्णय करना था। कितनी पोथियां पढ़ के रख लेना रत्नाकर पंडित, कितनी ही पोथियां रट कर रख लेना पर पोथी से काम होने वाला नहीं है, पोथी से काम होने वाला नहीं है। काम अगर किसी से होगा तो तुम्हारे भीतर के बोधी से काम होगा। कागजों के पन्ने पलट लेना मतलब पोथी को रट के रख लेना, उन ग्रंथों से जीवन में बदलाव होना संभव ही नहीं है। बदलाव अगर किसी से होगा तो तुम उस पोथी से जो बोधि प्राप्त करोगे उससे ही बदलाव होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। निर्णय करना है कि पूरा समय ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी अगर हमारा विषय कषायों में जा रहा है, पूरा समय नहीं, अगर थोड़ा भी समय दिन भर का उन कषायों में और विषयों की पुष्टि में जा रहा है तो हमारा ग्रंथों का पढ़ना, पोथियों के पन्ने पलटना सब निरर्थक है। पढ़ना छोड़ना मत, पढ़ने की बात या कोई क्रियाओं का निषेध मैं नहीं कर रहा हूं, पर उन क्रियाओं के साथ साथ जिसकी आवश्यकता है उसे छोड़ने की आवश्यकता है। किसे छोड़ना था? जो भीतर बैठा हुआ राग द्वेष था, भीतर बैठा हुआ पक्षपात था, भीतर बैठी हुई जो कषाय थी, उस कषाय को सबसे पहले जीतने की आवश्यकता है। क्योंकि इस विषय कषाय को जीतने के लिए ही आगम में आचार्य भगवंतों ने ये जिनवाणी कही है। भगवान कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जिन वैणम मोस विणम विषय विरेजणम अमित भूतम, अगर अमृत के तुल्य कोई औषधि है, कोई दवाई है जिसके सेवन से तुम्हारे विषय कषायों का विरेचन होता है, उसका नाम ये जिनवाणी है। भोजन का विरेचन नहीं, भोजन का शरीर के उस अपच का तो कई बार आपने दवाई लेकर विरेचन कर लिया होगा, पर ये ज्ञान का अपच क्यों हो रहा है, ये ज्ञान का अपच क्यों हो रहा है? मात्र और मात्र ज्ञान का अपच भीतर बैठे हुए कसाईक परिणामों के कारण हो रहा है। जीव सत्य को जान रहा है, हर व्यक्ति सत्य को जान रहा है, ऐसे भी बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े विद्वान जिनेन्द्र पंडित जी गुरु जी के सामने बैठे हमने देखे और सुने, एक एक बात आगम के उन्होंने गुरुजी के सामने स्वीकार की। हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हो, गुरुजी ने एक ही बात कह दी, यहाँ कह रहे हो कमरे में सबके सामने बोलो ना। वह धीरे से कहते हैं, गुरुजी मैं सबके सामने आपकी बात और सत्य की बात कह दूंगा तो मेरे पीछे की भीड़ का क्या होगा। वे भी सत्य जान रहे हैं, पर समस्या यह है कि सत्य को जानने के बाद भी कसाई जीव कभी सत्य को मान नहीं सकता। कसाई जीव जो कसाय की राग द्वेष की और पक्षपात की परिणति से युक्त है, वह जीवन जीता है, ज्ञान भी प्राप्त करता है, सत्य जानता भी है, पर उसका सत्य मात्र जानकारी और सूचना की तरह है। उसकी वह जानकारी उसकी जानहारी हो रही है। किंचित अपने बोध बोधी और इन पोथियों के बारे में विचार करना, अगर हमारी भीतर की कषाय नहीं निकली, कषाय की गांठ नहीं निकली है तो कितनी ही केचुली उतार देना। केचुली जानते हो? सर्प की केचुली,
साल में एक आध बार तो वह अपनी केचली उतार ही देता है। ऐसे 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 भव्य जीवों, तुमने अपने परिधान बदल दिए, परिधान उतार कर तुमने निर्ग्रंथ दिगंबर भेष भी धारण कर लिया, पर भीतर की अगर कसाय की गांठ जहर की थैली नहीं निकली है तो वह सर्प निर्विष होने वाला नहीं है। सर्प निर्विष होने वाला नहीं है। कठोर शब्दों में आज भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं श्रावकों, तुम्हें भी हे साधु, तुम्हें भी समझा रहे हैं, क्योंकि दोनों की धर्मों की एक साथ व्याख्या ग्रंथ रैण सार में भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। अगर इस ग्रंथ के 5-10% परिणाम और परिणति को जीव प्राप्त कर लेगा ना, तो उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव अवश्य ही आ सकता है। पर क्या करें महाराज जी, हम सुनते हैं, पर गोधा जी जो सुना है वह मात्र आपने कान का कर्णेन्द्रिय का विषय भोगते हुए सुना है। बुरी नहीं मानना, पर सत्यता यही है, जो तत्व 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 करते हुए तत्वों के निर्णय करने के लिए वाह वाह वह ग्रंथों की पोथियों को पन्ने पलट रहे हैं ना, अशोक जी इसे कर्णेन्द्रिय का भोग मानकर नहीं, कर्णेन्द्रिय का भोग मानकर नहीं, जीवन के भोग रूपी रोग मिटाने के लिए प्रयोग में लाओगे तो ये जिनवाणी कार्यकारी होगी, नहीं तो इंद्रियों के भोगों की पुष्टि के लिए ये जिनवाणी कार्यकारी नहीं है। जीवों ने मात्र अपनी कषायों की पुष्टि, अपने विषयों की पुष्टि के लिए देव शास्त्र गुरु का प्रयोग करना, मात्र उनका प्रयोग करना सीखा है। प्रयोग उनका मत करो, प्रयोग उन पर मत करो, प्रयोग करना ही है तो अपने आप का अपने आप पर करके देख लो। किया था कल प्रयोग, समझेंगे कल की बात, रक्षाबंधन है ना, प्रयोग किया था दूसरों पर प्रयोग मत करो, प्रयोग करना ही है तो अपने आप पर प्रयोग करके देख लो कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ कि नहीं हूँ, मैं ज्ञानी हूँ कि नहीं हूँ। 4-6-10 सूत्रों को, ग्रंथों को और गाथाओं को माँ याद कर लेना, उसकी पेपर परीक्षा दे लेना, वहाँ से मिलने वाले सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेना, ये तुम्हारी ज्ञान की ज्ञानीपने की पहचान है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर्टिफिकेट मिल सकता है, डिग्री मिल सकती है, पर डिग्री मिलने से कोई समझदार हो जरूरी है? नहीं है। ऐसे तो डिग्री होल्डर गली मोहल्ले में कितने घूम रहे, कितनी बड़ी बड़ी एक एक नहीं दो दो चार चार डिग्री लेकर दूसरों के ऑफिस में झाड़ू लगा रहे। समझना, ज्ञानी अज्ञानी पना भिन्न विषय है, मित्र शत्रुपना भिन्न विषय है। ये परिणति बाहर के कारणों से या बाहर के निमित्तों से नहीं समझ में आ सकती, हमारे भीतर के परिणाम क्या चल रहे हैं, मेरी विषयों से मेरी कषायों से कितनी परिणति दूर हो चुकी है, इसको समझने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एन के जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।